everyone, welcome to your class. Today we are doing Literary Journeys, an English Reader Primer book by Brain Root series. This chapter, which is Use of In, On and Under. हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, In, On and Under. आपको पता होगा कि जब हम In यूज़ करते हैं, In किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? In यूज़ होता है एक ऐसी चीज़ के लिए जो किसी चीज़ के अंदर हो. In मतलब अंदर, on मतलब ऊपर. on का मतलब क्या होता है बच्चों? on मतलब ऊपर, और under मतलब नीचे. ठीक है, this is a fish, this is a bowl. ये fish है और ये एक bowl है. the fish is in the bowl. जो मछली है वो bowl के अंदर है. ध्यान रखना, in मतलब अंदर होता है. बात समझ आती है? This is a dog, this is a tub. ये एक dog है और ये एक tub है. तो ये जो dog है ये tub के अंदर है. So the dog is in the tub. This is a bird, this is a tree. ये एक bird है और एक tree है. The bird is on the tree. मैंने आपको बताया था on का मतलब क्या होता है. on का मतलब होता है ऊपर, tree के ऊपर. Cat के बारे में बात होगी अब. This is a cat, this is a bed. The cat is under the bed. Under मतलब नीचे. देखो, बेड के नीचे है ना cat. ऐसे तो होते हैं जब हमारे dogs या cats frightened हो जाते हैं या उनको कुछ किसी चीज़ से डर लग जाता है तो वो beds के नीचे घुस जाते हैं. ऐसे ही नीचे मतलब क्या होता है? Under होता है. ठीक है, that's it for this topic. Thanks for watching. I will meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.